तो क्या हाल है लोंडो? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सबसे पहले बात करते हैं हम किंग के बारे में। तो किंग ने एक स्टोरी शेयर करी है और उसमें उन्होंने कुछ लिखा है, तो मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। तो उन्होंने लिखा है, मैं तो दवाई खा के कोल्ड कफ की नींद के नशे में ट्रेवल कर रहा था, तो पता चला मार्केट में भूकंप आया है, असली वाला XP। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड साउंड। मेरी जन्मभूमि दिल्ली NCR वालों, कल मिलते हैं शाम को लॉजिक मॉल नोएडा। आओ असली खेल शुरू करते हैं 2021 का, लेट्स शट इट डाउन बेबी। ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है और उन्होंने एक और स्टोरी शेयर करी है, तो आप वो वाली स्टोरी आप पहले सुन लीजिए। Yo, what's up? This side King and thanks to Broadway Event for this amazing event. And get your champagnes ready क्योंकि मैं आ रहा हूँ रात को 9 बजे Imperfect और Ruin Club. Let's shut it down, baby. तो आप लोगों ने देख ली होगी किंग की वो वाली स्टोरी। तो कल वो आ रहे हैं लॉजिक मॉल में, तो आप चाहे एक बार उनका लाइव परफॉर्म देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है JSL पाजी की ओर से। तो JSL पाजी का भी कोई गाना आने वाला नया, उसको लेके वो शूट भी चल रहा है उनका, वो गोवा में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ स्टोरी डाली है, तो आप पहले उनकी स्टोरी आप देख लीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल सा रहता। बीबी बम पार्ट 2 शूट हो रहा है, वेयर इन गोवा, अनमोल प्रीत, सेम टीम्स बैक अगेन। देखो सो गाइस, एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो बहुत अच्छा सिंगर है या बहुत अच्छा रैपर है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है और उसको भी लगता है कि वो कभी गाना नहीं निकाल पाएगा अपना जिंदगी में, उसके लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। तो डिटेल्स जो है मैं आगे शेयर करूंगा क्या करने जा रहे हैं। आई नीड एवरीबडी सपोर्ट ऑन दिस। तो गाइज, इसी रिगार्डिंग मैं पोस्ट डालने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर, और इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ आप फॉरवर्ड करें जितने बंदों को हो सके, वायरल कर दें इस पोस्ट को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो गाते बहुत अच्छा है, सिंगर बहुत अच्छे हैं, रैपर बहुत अच्छे हैं, लिखते बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने टैलेंट को साइड कर दिया जस्ट बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको लगता है कि उनका कुछ हो नहीं पाएगा, उनका पैसे नहीं है। तो गाइज, इसके लिए भाई ने बीड़ा उठा लिया। तो बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, पर मैं जो पोस्ट डालूंगा वो पोस्ट आपको फैला देनी है। फैलाओगे कि नहीं फैलाओगे ना, हाँ मुझे पता, प्यार करते हो ना। तो आप लोगों ने देख ली होगी JSL पाजी की पूरी स्टोरी, तो आपको पता चल गया होगा उनका कौन सा गाना आने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है रागा की ओर से। तो रागा ने भी एक स्टोरी शेयर करी है और उन्होंने अपनी स्टोरी में कुछ लिखा है, तो चलिए मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। तो रागा लिखते हैं, टू दी पीपल हु थिंक आई ओनली फाइट फॉर अदर साइड, PKL मुझे साइड नहीं दिखती, वी आर वन, मेरे लिए अर्शद मरे या रिंकू, इट हर्ट्स इक्वली, क्योंकि इंसान की कीमती जान इन चूतिये पे मैं जा रही है, भीड़ में आजकल नहीं होती, भीड़ की शकल नहीं होती, आई होप इन्वेस्टिगेशन गेट देम। पता नहीं किस चीज के बारे में, बट रागा ने इसके बारे में स्टोरी डाली है, तो पता नहीं मुझे किस चीज के बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है रफ्तार की ओर से। तो रफ्तार ने अपनी स्टोरी शेयर करी है कुछ, और मैं आपको बता देता हूँ रफ्तार ने क्या लिखा है अपनी स्टोरी में, और रफ्तार का आने वाले ट्रैक आने वाला शायद उसको लेकर उन्होंने स्टोरी शेयर करी है। एक तो उन्होंने अपना एक फोटो ही खींचा और उसके नीचे लिखा है कलमकार को टैग करते हुए लिखा उन्होंने वी गोन हाई, मतलब कि कुछ ना कुछ आने वाला उनका। और फिर उन्होंने एक और स्टोरी लगाई है जिसमें लिखा है हार्ट रीसेट, तो हो सकता है भाई कुछ खतरनाक आने वाला है, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ भी गए थे, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है धमाकेदार हमको सुनने को मिल सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है कृष्णा की ओर से। कृष्णा के यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर, तो उसको लेकर उनको गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है, और उसको लेकर उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है जिसमें उन्होंने यूट्यूब इंडिया को टैग भी किया है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आ रही है विशाल मिश्रा की ओर से। तो विशाल मिश्रा वो हैं जिन्होंने कबीर सिंह में गाने गाए हैं अपने, तो उनका कोई गाना आने वाला, कोई ट्रैक आने वाला उनका इसी महीने। अभी अभी अपना अगला गाना खत्म किया एंड सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन। हर गाना बहुत स्पेशल होता है, बट मैं कभी इतनी बेसब्री से किसी गाने का इंतजार नहीं करता, मैं वेट नहीं कर सकता कब आप लोग ये गाना सुने एंड सुपर एक्साइटेड। तो मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ क्योंकि उनकी आवाज बहुत प्यारी है, तो करते हैं वेट, और आता है गाना तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। तो आज की अपडेट बस यही थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जो करना वो सब ठोक देना। तो मिलते हैं आपसे कल कोई नई अपडेट लेके, नई न्यूज लेके, तब तक के लिए बाय बाय।